हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं फिल्म जोकर के बारे में, क्योंकि ये फिल्म अब कॉमिक बुक की सबसे प्रॉफिटेबल फिल्म बन गई है। कैसे, तो चलिए उस पर कुछ डिस्कशन करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस फिल्म की प्रॉफिट की बात कर लेते हैं कि इस फिल्म ने अब तक पूरे वर्ल्ड वाइड कमाए हैं 952.2 मिलियन, यानी बस आने वाले कुछ ही हफ्तों में या फिर एक हफ्ते में ये फिल्म 1 बिलियन के आंकड़े को पार कर देगी, जो कि इस फिल्म के लिए अभी तो बड़ी बात है नहीं। और इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का बजट लगभग 62 मिलियन का है। और अब आप इसी से ये अंदाजा लगा लीजिए कि इतने कम बजट में बनने के बाद इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर क्या धूम मचाई है। और ऊपर से इस फिल्म को चाइना में रिलीज नहीं किया गया, ये भी एक बहुत बहुत ज्यादा बड़ा पॉइंट है, क्योंकि आज तारीख में हॉलीवुड ज्यादातर तो चाइना से ही अपना प्रॉफिट निकालता है, बट इस फिल्म को चाइना में रिलीज नहीं किया गया, ये इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और इस फिल्म के इंडिया के कलेक्शन की बात की जाए तो ये कलेक्शन 67.25 करोड़ का है। और अगेन, इंडिया में भी इस फिल्म की कमाई सिर्फ और सिर्फ इसके इंग्लिश वर्जन से आई है, क्योंकि इस फिल्म को हमारे इंडिया में हिंदी में रिलीज नहीं किया गया था। यानी अगर इस फिल्म को हिंदी में रिलीज किया जाता तो ये फिल्म इस बजट से और भी ज्यादा की कमाई करती। यानी यहाँ पर वॉर्नर ब्रदर्स इंडिया वाले थोड़े चूक गए, बट अब जो भी हो, ये फिल्म हमारे इंडिया में भी हिट है और इंटरनेशनल लेवल पर भी। लेकिन अब कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि ये फिल्म प्रॉफिटेबल के मामले में अवेंजर्स एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर फिल्म से आगे कैसे है। वेल, तो अब उनके लिए मैं कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम फिल्म का बजट स्टूडियो ने एक ही साथ लगाया था, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि इन दोनों ही फिल्मों का बजट मिलाकर लगभग 1 बिलियन तक जाता है। और नो डाउट दोनों ही फिल्मों ने अपने बजट के हिसाब से काफी ज्यादा की कमाई की है, लेकिन इन सब में ऑडियंस निकल कर आती है पूरी की पूरी फैमिली। बट इस केस में आ जाए फिल्म जोकर पर, तो जोकर को सिर्फ और सिर्फ एडल्ट ऑडियंस के लिए ही बनाया गया था, यानी बच्चों के लिए ये फिल्म बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी। यानी सीधे सीधे देखा जाए तो ये आर रेटेड फिल्म थी, और इस टाइप की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई नहीं कर पाती है, लेकिन कुछ फिल्मों से ये रिकॉर्ड टूटे हैं। बट मैं यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ सुपर हीरोज की फिल्मों की ही कर रहा हूँ, जिनमें से एक फिल्म है डेडपूल 1, उसके बाद लोगन, और फिर इन्हीं रस्तों पर चलती हुई फिल्म है जोकर, जो सीधे सीधे इस लिस्ट में आती है फर्स्ट पोजीशन पर, क्योंकि ये फिल्म जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ ही दिनों में 1 बिलियन के आंकड़े को पार कर लेगी, जो जोकर जैसी आर रेटेड फिल्म के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। यानी डेफिनेटली यहाँ पर रेटिंग मैटर करती है, और इन्हीं रेटिंग्स के चलते इस फिल्म को मोस्ट प्रॉफिटेबल कॉमिक बुक मूवी एवर कहा जा रहा है, क्योंकि किसे भी ये आइडिया नहीं था कि जोकर जैसी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 1 बिलियन के आंकड़े को पार कर सकती है, बट इस फिल्म ने ऐसा किया, जिससे हमें ये बात भी पता चल जाती है कि जोकर की फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में कितनी ज्यादा है। वेल, तो अब आपकी क्या राय है फिल्म जोकर को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लग गया तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वेल, तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।